सो गाइज, ये है हमारा पॉप का LD18B जो एक 1200 वाट RMS पावर का हॉर्न लोडेड सिंगल बेस है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गाइज, आज हमारे पास एक कमेंट आया है कि वह पॉप का LD18B के 4 बेस के लिए बेस्ट एम्पलीफायर और इस बेस की क्या प्राइस रेंज रहने वाली है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इन 4 बेस की प्राइस और इनके लिए कौन सी बेस्ट एम्पलीफायर है वो लेने चाहिए। सो गाइज, बेस का लुकिंग हमको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। ये हमारा हॉर्न लोडेड बेस भी बोला जाता है। इसके अंदर स्पीकर है वो ऊपर से लोडेड किए जाते हैं। ये हमारा 1200 वाट RMS पावर वाला बेस है। इसके अंदर एक स्पीकर यूज किया गया है जो पॉप का ही ट्रांजिस्टर है। अब गाइज बात करते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इसके RMS पावर की। तो ये हमारे फ्रेंड्स 1200 वाट RMS पावर का स्पीकर है। इसके अंदर फ्रेंड्स एक स्पीकर यूज किया गया है 18 इंची का। इसका इम्पीडेंस 8 ओम्स का है। फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर 26 से 300 हर्ट्ज मिल जाता है। इसके वॉइस कॉल की बात करें तो 4 इंच की वॉइस कॉल प्योर कॉपर में ली गई है। फेराइट का मैग्नेट इसके अंदर यूज किया गया है। SPL है वो यहाँ पर 125 dB का मिल जाता है और वेट इसका 68 kg का रहने वाला है। सो गाइज, ये है हमारी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब गाइज बात करते हैं इस बेस के लिए बेस्ट एम्पलीफायर की। तो पहले ये हमारी EBITA3 की DT4000 जो हमको 4 ओम्स का आउटपुट है पर चैनल 2500 वाट से रहता है। तो आप इसका 1200 वाट के 2 बेस एक चैनल पर दे सकते हो और 2-4 बेस 2 चैनल पर देकर चला सकते हो। और दूसरे एम्पलीफायर की बात करें तो इसके लिए फ्रेंड्स आप जाइफर की Z5 है वो यहाँ पर ले सकते हो। इस पर भी फ्रेंड्स आप 2 बेस 2 चैनल पर देकर यानी 4 ओम्स की वायरिंग के साथ में चला सकते हो। अब गाइज बात करते हैं इसके बेस्ट प्राइस की। सो गाइज, यहाँ पर टोटल 4 बेस की प्राइस यहाँ पर आपको मेंशन हो रही है। प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि प्राइस फिक्स रहती नहीं है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।